أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم خدا کی رحمت لے کر ये माह सयाम आया खुदा की रहमत लेकर ये माह सयाम आया नबी प्यारे की उम्मत को है बख्शिश का पैगाम आया रहा भूखा प्यासा जो
फकत अल्लाह की खातिर रहा भूखा प्यासा जो फकत अल्लाह की खातिर उस पर वक्त इफ्तारी है अल्लाह का सलाम आया खुदा की रहमतें लेकर है बख्शिश का पैगाम आया और रोजेदार का चेहरा चमक उठेगा सहरी में रोजेदार का चेहरा चमक उठेगा सहरी में बोलेंगे जो सब देखो मोहम्मद का गुलाम आया बोलेंगे जो सब देखो मोहम्मद का गुलाम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की रहमतें लेकर है माहे सयाम आया। और बड़ा ही प्यारा जुमला गुज़श्ता रात मैं तुहाडे वास्ते जोड़े है बड़ी मोहब्बत दे नाल तुसी समाद फरमाओगे इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होए रोजेदारो तुम्हें वो अजब मंजर मुबारक हो रोजेदारो तुम्हें वो अजब मंजर मुबारक हो सिफारिश को जो महशर में सिफारिश को जो महशर में ये रोजा और कुरान आया सिफारिश को जो महशर में ये रोजा और कुरान आया खुदा की रहमतें लेकर है माहे सयाम आया अल्लाह पाक दा बड़ा ही फजल व करम है और अल्लाह पाक दी खास रहमत है कि मौला करीम ने सानू अपनी रहमत दे नाल जुमे दी अदायगी वास्ते जमा फरमाए दुआ करो कि अल्लाह ताला साड़ी हाजरी नू अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल हुदा सैयदुना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते गिरामी वास्ते जीवकार दोस्तों बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों और निहायत ही काबिले कदर और काबिले एहतराम बापर्दा बाहया मेरी रूहानी और इस्लामी माओं और बहनों खालके कायनात ने अपने बंदियां दे उत्ते बेशुमार एहसानात फरमाए ने उन्हां एहसानात दे विचों कोई शक नहीं इस बात अंदर कि रमजान भी एक बहुत ही लाजवाब अल्लाह दा एहसान है कि जिस दी दीगर एहसानात दे अंदर कोई मिसाल नहीं हजरात अगर मैं इन जुमलियां नूं इस अंदाज नाल कहां तो यकीनन मुबालगा नहीं होएगा कि बेजुबानों को जब वो जुबान देता है
बेजुबानों को जब वो जुबान देता है पढ़ने को फिर उन्हें वो कुरान देता है, और जब बख्शने पे आता है उम्मत के गुनाहों को तोहफे में उन्हें फिर रब रमजान देता है। यकीनन ए अल्लाह दा बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन एहसान ते उना लोगां वास्ते है जिना लोगां ने इस एहसान दी कदर कीती है। हजरात लोग ए बात कहिंदे ने कि रमजान अल्लाह दा मेहमान है, और यकीनन है भी, लेकिन अगर मैं इस अंदाज नाल कहां तो भी बात ज्यादा मुनासिब होएगी। मैं कहांगा रमजान ते अल्लाह दा मेहमान है ये, असल अंदर मैं और तुसी इस रमजान वास्ते मेहमान हाँ। पता नहीं कल दा रोजा सानू रखना नसीब होए या ना होए, पता नहीं रमजान दा दूसरा जुमा सानू पढ़ना नसीब होए या ना होए, पता नहीं आइंदा रमजान दे रोजे रखने सानू नसीब होन या ना होन। अगर यकीन ना आए ते जिथे बैठे हो ना इना सफा दे अंदर नजर दौड़ा के देखो, और जरा अपनी मेमोरी नू पिछे ले जाओ, पिछले रमजान दे अंदर किन्ने तुहाडे ऐसे आइज़ा व अकरबा सन जिहड़े पिछले रमजान दे अंदर तुहाडे नाल बह के जुमा पढ़दे सन, पिछले रमजान अंदर सहरी तुहाडे नाल करदे सन, पिछले रमजान अंदर इफ्तारियां तुहाडे नाल करदे सन। किन्ने ऐसे लोग ने कि जिन्हां नू अपने हत्थां दे नाल सहरी दे खाने पकाण वालियां उन्हां दियां मावां दुनिया तो रुखसत हो गईयां, कमाई करके शाम नू इफ्तारी दा समान मुहैया करन वाले उन्हां दे बाप दुनिया तो चले गए। हजरात ते रमजान ते उदों दा अल्लाह ने बनाया है, यौम खलकस समावाति वल अर्ज मिनहा अरबातुन हुरम, जदों तो अल्लाह ने आसमानो जमीन नु बनाया है उदों दा रमजान भी बनाया है। अंबिया आए, रसूल आए, सहाबा आए, ताबेईन आए, तबा ताबेईन, आइम्मा दीन आए, चले गए। आज असी हाँ इस रमजान अंदर रमजान नु गुजार रहे हैं, न जाने आइंदा रमजान साड़ी जिंदगी दे अंदर आए या ना आए। इस वास्ते इस रमजान नु अपनी जिंदगी दा आखिरी रमजान समझ के गुजारिए, और ऐसा गुजारिए कि इस तो पहले कदी भी ऐसा रमजान ना गुजारिया होए। बड़ी मोहब्बत दे नाल, बड़ी रूहानियत दे नाल, और बड़ी ही अकीदत दे नाल इस रमजान दे शबो रोज नु गुजारिए। हजरात ए रमजान दा महीना जिथे माहे रमजान है उथे माहे फौजान भी है, जिथे माहे रमजान है उथे माहे कुरान भी है, और जिथे माहे रमजान है उथे माहे गुफरान भी है, बल्कि ए नाल नाल मौसमे कुरान भी है। हजरात आइए इस रमजान दी कदर कीजिए, इस रमजान दे नाल वफादारी कीजिए, इस अल्लाह दे मेहमान दे नाल मोहब्बत कीजिए। मेरी दुआ है मैं इस रमजान दी अजमत, इस दी शान और रिफत और बुलंदी दे हवाले नाल अज दे जुमे अंदर जो गुजारशात तुसा अहबाब दे पेशे खिदमत करा, अल्लाह ताला सानू सारेयां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। गौर करना, दरा तवज्जो करना, मैं अल्लाह दे पाक कलाम तो अपनी बात का आगाज करना चाहना, हम तन गोशो के समात फरमाइए जरा। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाब मोहम्मद, रमजान दा जुमा है बहार पैदा हो जाए, रमजान दा पहला जुमा नबी पाक ते दुरूदे पाक पढ़िए मस्जिद दे अंदर गूंज पैदा हो जाए जनाब मोहम्मद।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया और की ऐलान फरमाया, फरमाया शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम ومن كان منكم مريضا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعل لَكُمْ تَشْكُرُونَ خالق کائنات دا قرآن فرمایا رمضان المبارک دا او مہینہ جس مہینے دے اندر خالق کائنات نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہدل للناس او قرآن جنو اللہ تعالیٰ نے لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے والفرقان اور اس کتاب نو کتاب فرقان بنایا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ پا لوے اونوں چاہیدا ہے او رمضان دے روزے رکھیا کرے اونوں چاہیدا ہے رمضان دا احترام کرے یا کرے رمضان دی قدر کرے یا کرے قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ نے تواڈے اُتے روزے فرض کر دیتے نے اوویں فرض کر دیتے نے جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے اللہ سونیا اے ٹیسیاں تے لوگ پوچھنا چاہندے نے اے تیرے بندے سوال کرنا چاہندے نے اللہ سونیا صبح تو لے کے شام تک کھانا بھی نہیں کھانا پانی بھی نہیں پینا اللہ سونیا سارا دن اپنی شہوت تے کنٹرول بھی رکھنا ہے زبان جو جھوٹ بھی نہیں بولنا گال بھی نہیں کٹنی غیبت بھی نہیں کرنی چغلی بھی نہیں کرنی کسے دا گلا بھی نہیں کرنا اللہ سونیا اس سارے کم دا مقصد کی ہے اللہ فرما دینے لعلکم تتقون سارے کم دا مقصد دے وے تاکہ تواڈے دلان دے اندر تقوی پیدا ہو جائے تواڈے دلان دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے تواڈے دلان دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے تسی اللہ دی ذات تو ڈرن والے بن جاؤ اے رمضان اللہ دا مہمان اے ایدی قدر وی ہے اے اس دا پورا احترام کیتا جائے اس دے اندر تقوی نو اپنایا جائے اس دے روزے رکھے جان اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا توجہ کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ میرے آقا فرما دینے جیڑا بندہ تواڈے وچوں اللہ تے ایمان رکھ دے قیامت دے دن تے ایمان رکھ دے اونوں چاہیدا اے او اپنے مہمان دی عزت کریا کرے اپنے مہمان دی توقیر کریا کرے اپنے مہمان دا احترام کرے یا کرے اللہ دیو بندیو اے ویکھو نا ساڈے کول اگر کوئی مہمان آ جائے اسی کنے چاہ کرنے ہاں کنیاں خوشیاں کرنے ہاں مہماناں دی آمد تے اسی اچھے اچھے کھانے بنانے ہاں سونیاں ڈشاں تیار کرنے ہاں لذیذ کھانے بنانے ہاں اپنے مہماناں دی آمد تے اسی پھلاں دے ہار لے کے آنے ہاں اپنے مہماناں دی آمد تے اسی پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کرنے ہاں
अपने मेहमान की आमद ते अच्छे बिस्तर लगा देने अपने मेहमान की आमद ते असी अपने घर दियां सफाइयां करने कादे वास्ते असी अपने मेहमान दा इत्राम करना है। अल्लाह दे बंदेओ ए रमजान अल्लाह दा मेहमान जे एदी ते सारेयां नालों बहुती कदर करनी चाहीदी है, एदा ते सारेयां नालों बहुता इत्राम करना चाहीदा है। रमजान दी इज्जत ते सारेयां नालों वध के करनी चाहीदी है। अल्लाहू अकबर अल्लाह गौर करना दरा तवज्जो करना ए रमजान नाल असी ते प्यार करना ही है, रमजान नाल ते अल्लाह भी बड़ा प्यार गौर करना दरा तवज्जो करना। बुखारी पाक अंदर रवायतां दिए मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज थोड़ी जी तबीयत नासाज है, तुसी बोलोगे इंशाल्लाह माहौल बन जाएगा। गोडे छड़ो ना जरा मोहब्बत नाल बैठो, अल्लाह दी रहमत नाल मस्जिद दे अंदर बैठे हो, गोडे फड़ के मस्जिद जे बहना मस्जिद दे आदाब दे भी खिलाफ है, जुमे दे आदाब दे भी खिलाफ है। सुस्ती पैदा हो जाएगी, नींद आ जाएगी, जुमे का अजर भी जाया हो जाएगा, खाली उठ के वापस चले जाओगे। इस वास्ते मोहब्बत नाल बैठो, जदों भी नबी पाक का नाम आए दुरूदे पाक पढ़ो, इंशाल्लाह फायदा होगा, नींद भी दूर होगी, ईमान भी ताजा होएगा इंशाल्लाह। मैं फिर नबी पाक का नाम लेने, तुसी मोहब्बत ना दूध पढ़ना, कोई छोटा खामोश ना रहे, कोई बड़ा खामोश ना रहे, सज्जे आरे खब्बे आरे सामने आरे सारे नबी पाक के मोहब्बत ना दूध पढ़ो। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुसी इंज चलोगे ना इंशाल्लाह फिर चंद गल्लां जुमे अंदर हो जाणगियां अल्लाह दी रहमत दे नाल। गौर करना जरा तवज्जो करना, अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, फरमाया कायनात दे लोगो जदों रमजान की पहली रात आंदी है ना खालके कायनात अपने रमजान की इन्नी कदर करदे ने, अपने रमजान का इन्ना एहतराम करते ने। हदीसे पाक अंदर आंदा है अल्लाह दे नबी ने फरमाया सूफी दा शयातीन अल्लाह ताला सारे दे सारे शैताना नू जकड़ करके रख देंदे ने, शयातीन जेड़े सरकश किस्म दे ने अल्लाह ताला इन्हां नू जकड़ करके रख देंदे ने। वकुल्लिकत अबवाबुन नारी ते अल्लाह ताला जहन्नम दे सारे दरवाजे बंद कर देंदे ने। जदों रमजान की पहली रात वफुतिहत अबवाबुल जन्नती अल्लाह अपनी जन्नत दे सारे दरवाजे खोल देंदे ने। वलिल्लाही उतकाउ मिनन नारी ते अल्लाह ताला रोजाना ही अपने बंदियां नू जहन्नम दी अग तो आजाद करदे ने। अल्लाह ताला रमजान दे अंदर रोजाना ही अपने बंदियां नू माफ करदे ने, अपने बंदियां दे गुनाहां नू माफ करदे ने ते जन्नत दा दाखला अता कर देंदे ने। अल्लाहू अकबर अल्लाह। और अल्लाह ताला ने तरकीब के तौर पर फरिश्तियां दिया ड्यूटियां लगाइया ने। एक फरिश्ता मुनादी करने वाला मुनादी करता है, आवाज लगान वाला आवाज लगांदा है, आंदा या बागी अल खैरी अकबिल, ओए नेकियां करने वाले आ तेरियां नेकियां दा मौसम आ गया ही, हुण बहुतियां नेकियां करिया कर, ओए नमाजां पढ़ने वाले आ हुण नफल नमाजां भी पढ़िया कर, ओए कुरान दियां तिलावत करने वाले हुण रज रज के कुरान पढ़िया कर, रातां दियां तरीकियां दे अंदर भी कुरान पढ़िया कर, दिन दे उजालियां दे अंदर भी कुरान पढ़िया कर। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ओए सदका करने वाले हुण पहले नालों ज्यादा तेज हो जा अपने सदके दे अंदर, हुण बहुती खैरात करिया कर, हुण बहुता अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करिया कर। ओए तबलीग करने वाले हुण बहुती तबलीग करिया कर, हुण अल्लाह दा दीन ज्यादा लोग तक पहुंचाया कर। अल्लाहु अकबर अल्लाह। वया बागी अशरी अकसर, ओए बुराइयां करने वाले आ हुण ते बस कर जा, मुनादी करने वाला मुनादी लगा रहा है, ओए गुनाह करने वाले आ हुण बस कर जा, गुनाहां तो बाज आ जा, बड़े गुनाह कर लई, हुण ते रमजान दा महीना आ गया है, ओ झूठिया हुण अपनी जुबान बंद कर लै, झूठ ना बोलिया कर, ओए गालां कढ़न वाले आ हुण गालां ना कढ़िया कर, ओए गीबतां करन वाले आ बड़ी दुनिया दी गीबत कर लई, हुण गीबतां ना करिया कर, ओए लोकां दी इज्जत दा खिलवाड़ करन
वाले उन लोगों की इज्जत का तमाशा ना बनाया कर। अल्लाहु अकबर वया बागी अशर यक सिर ओए गुनाह करन वाले आबाज आ जा। ओए मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया, मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया, मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया। मिट गई तारीकियां और नूर छा गया, मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया, मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया। खबरदार आसियो होशियार हो जाओ, खबरदार आसियो होशियार हो जाओ, रोजेदार मोमिनो तैयार हो जाओ, कि नेकियों का मौसम बहार आ गया, के नेकियों का मौसम बहार आ गया। मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया, मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरात तवज्जो करना, जरा गौर करते जाना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गल तां अगे चलानी है, तुसी नबी पाक ते दरूद पढ़ोगे तां फिर नबी पाक दा नाम लेना जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया जान दियो रमजान किन्नी अजमत वाला महीना है, रमजान किन्नी शान वाला महीना है। अल्लाह ताला रमजान की बरकत दे नाल अपने बंदियां दे गुनाह माफ फरमा देंदे ने। बंदा एक दिन दे अंदर पांच नमाजा पढ़ता है, इन्हां पंजा नमाजा दे दरमियानी वक्त दे अंदर बंदा जिन्ने भी सगीरा गुनाह करता है अल्लाह नमाजा की बरकत नाल माफ कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर। बंदा एक जुमा पढ़ता है, फिर दूसरा जुमा पढ़ता है, इन्हां दोवां जुमियां दे दरमियान दे अंदर जिन्ने भी बंदा गुनाह करता है अल्लाह जुमे की बरकत नाल माफ कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बंदा एक बंदा जनाबे मोहतरम में गुमराह करता है, फिर दूसरा उमरा करता है, इन्हां दोवां उमरियां दे दरमियान बंदा जिन्ने भी गुनाह करता है अल्लाह उमरे की बरकत नाल माफ कर देंदे ने। और आका फरमाते ने बंदा एक रमजान दे रोजे रखता है ओदी जिंदगी च दूसरा रमजान आ जाता है। अल्लाह ताला रमजान दी बरकत नाल एदी जिंदगी दे एदे जनाब एदे पिछले रमजान तो लैके अगले रमजान तक सारे गुनाह अपनी रहमत दे नाल माफ फरमा देंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कितनी अजमत वाला महीना मेरे आका फरमाते ने मन सामा रमजान ईमान वाहती साबन गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बेही। फरमाया जेड़ा बंदा ईमान दे नाल ते सवाब दी नियत दे नाल रमजान दे रोजे रखदा है मेरे आका फरमाते ने अल्लाह ताला ओदे पहली जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देंदा है। वा मन काम रमजान ईमान वक्ती साबन गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बेही। और जेड़ा बंदा रमजान दियां रातां कयाम करता है रमजान दियां रातां दे अंदर नमाज़े तरावी पढ़ता है, रमजान दियां रातां दे अंदर कयामुल लैल करता है मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह ताला तरावियां दी बरकत नाल कयाम करन दी बरकत नाल कुरान सुनन दी बरकत नाल अल्लाह ताला इहदे पहली जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आ जाओ ना इस रमजान दा एहतराम करिए, इस रमजान दी कदर करिए। उस बंदे तो वड्डा बदनसीब बंदा कौन हो सकता है जिंदी जिंदगी दे अंदर रमजान का महीना भी आए फिर वो रमजान की कदर ना करे, रमजान का एहतराम ना करे, छोटे छोटे बहाने बना के रमजान के रोजे छड़ देवे और रमजान दियां रातां दा कयाम छड़ देवे। आओ मैं तुहानू एक नबी पाक की हदीस सुनावा, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी सैयदना जनाबे मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह तआला बयान करदे ने, फरमांदे ने एक दिन नबी पाक मस्जिद दे नबी दे अंदर तशरीफ फरमाने, आपने सहाबा नु ऐलान कीता, ओ हुज़ूरुल मिंबरा मेरे सहाबियो मिंबर दे करीब जमा हो जाओ। सारे सहाबा मिंबर दे करीब आ गए, मेरे आका ने मिंबर दी सीढ़ी ते कदम रखिया, आपने आमीन आखिया। हदीस लंबी है, मैं मुख्तसर बयान करना चाहना। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने आमीन बोलिया, सहाबा ने सवाल कर दिता, अल्लाह दे पैगंबर जी आज तो पहले ते तुसी कदी एवें नहीं कीता, आज तुसी मिंबर ते चढ़े हो ते नाल आमीन आखिया है। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह मेरे आका फरमाते ने मेरे सहाबियो जिब्राइल आए सन, वो आके बद्दुआवां पे करदे सन, जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे अंदर रमजान का महीना पाए ना लेकिन रमजान का एहतराम ना करे, अल्लाह कोलो अपने गुनाहों की माफी ना मंग सके, रमजान के अंदर अपने गुनाह बख्शवा ही ना सके, फअबादहुल्ला अल्लाह नु बाकी महीनों के अंदर भी अपनी रहमत तो दूर कर देवे, अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत तो महरूम कर देवे, अल्लाह ताला उदा बेड़ा ही गर्क कर देवे, उदा नक खाक अलूद हो जाए। जिहड़ा बंदा रमजान का महीना अपनी जिंदगी के अंदर पाए ना लेकिन रमजान का एहतराम ना करे, रमजान की कदर ना करे। आका फरमाते ने जिब्राइल ने बद्दुआवां कीतियां ने ते मैं आमीन आख दिता है। ओए अल्लाह दे बंदियो, कौन वह बंदा है जिहड़ा नबी पाक की बद्दुआ तो बच सकता है, जिहड़ा रमजान का एहतराम ना करे, रमजान की कदर ना करे। अल्लाह अकबर। और आओ मैं तुहानू एक होर हदीस सुना के तुहाडा ईमान ताज़ा करां। जिहड़ा बंदा रमजान की सही मानिया के अंदर कदर करता है, रमजान का सही मानिया के अंदर एहतराम करता है, अल्लाह ताला ने उदा शान कितना उच्चा बनाया है, उदा मुकाम कितना बुलंद बनाया है। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी सैयदना जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हदीस दे रावी ने, फरमाते ने अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे कोल दो बंदे हाजिर होए। अल्लाह अकबर। इन्हां नवा नवा कलमा पढ़िया है, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला इन्हां दी आपने ड्यूटी लगा दी है, तलहा इन्हां नूं अल्लाह दा दीन तू सिखाणा है, नमाज दा वल तू दसना है, रोजे दे मसाइल तू दसने ने, इन्हां नूं ज़कात दा निसाब तू दसना है, हज दे मनासिक इन्हां नूं तू दसने ने, अल्लाह दा दीन इन्हां नूं तू सिखाना है। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमांदे ने ए दोवें बंदे मेरे कोल रिया कर दे, खाना भी मेरे कोलों खाया कर दे, रात कयाम भी मेरे कोल करिया कर दे। इन्हां दोवां बंदियां दे विचों एक बंदा इबादत दे अंदर बड़ा तेज है ते बड़ा चुस्त है, ये बड़े शौक दे नाल इबादत करदा है, दूसरा जरा सुस्ती नाल इबादत करदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आंदे ने वक्त गुजरता गया, वक्त ऐसा आया है जंग दा टाइम आ गया, एक बंदा मैदाने मक्तल दे अंदर शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते दूसरा जिहड़ा बंदा है ना वो एक साल तक जिंदा रहा, एक साल तो बाद उन्हें अपने बिस्तर ते मौत आई है। फरमाते ने राती मैं ख्वाब दे अंदर वेखिया, अल्लाह ताला ने मैदाने मैशर कायम कर दिता है, लोग जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, मैनू जंतियां दी तरफ ले जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते जन्नत दे दरवाजे तो एक फरिश्ता आया है, उन्हें सब तो पहला उस बंदे नू पकड़िया है जेड़ा बंदा जिन्हू अपने बिस्तर ते मौत आई है, इन्हू जन्नत अंदर लैके चला गया, फिर दोबारा वापस आया, फिर शहीद नू लैके गया, फिर तीसरी मरतबा आया, फिर मैनू जन्नत अंदर लैके गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते ने जदों ऐसा मामला पेश आया मेरी अख खुल जाती है, सुबह फजर का टाइम होया, मदीने के अंदर गल आम हो गई है कि शहीद तो पहला ओ बंदा जन्नत अंदर चला गया जिन्हों बिस्तर से मौत आई है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह चलदियाँ चलदियाँ बात नबी पाक दर चली गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत तलहा फरमाते ने नबी पाक ने मैनु अपने कोल बुलाया, फरमाया तलहा किवें तैनू ख्वाब आई है? आंदे ने अल्लाह दे पैगंबर जी इंज मैनू ख्वाब आई है, राती ख्वाब के अंदर मैं वेखिया
जेड़ा बंदा शहीद होया है ना वो जन्नत अंदर बाद विच गया है, जेड़ा बिस्तर ते फौत होया है वो पहले जन्नत अंदर चला गया है। मेरे आका फरमाते ने ओए तलहा यार इस दे अंदर ताजुब करन वाली केड़ी गल है, मैनू दस ना क्या उन्हें एक साल अपनी जिंदगी दा वध पाया है कि नहीं, क्या उस साल दे अंदर एक मरतबा रमजान इजाफी आया है कि नहीं, उन्हें रमजान का महीना एक मरतबा ज्यादा गुजारे है कि नहीं। हालांकि मारूफ हदीस है नबी पाक ने फरमाया शहीद का खतरा खून का बाद विच जमीन ते डिगदा है, अल्लाह ताला उहदा महल जन्नत के अंदर उन्हें पहले विखा देंदा है, लेकिन इन्हें एक साल अपनी जिंदगी का इजाफी गुजारिया सी और उस साल के अंदर इन्हें रमजान पाया सी और रमजान दियां रातां दा कयाम कीता सी, रमजान के दिनों के रोजे रखे सन। अल्लाह ताला ने इस बरकत की वजह तो इस बंदे नूं उहदे तो पहला जन्नत के अंदर दाखिल कर दिता है। हजरात आओ ये रमजान साड़ी जिंदगी के अंदर अल्लाह का मेहमान और तोहफा है, इस रमजान की कदर करिए, इस रमजान का एहतराम और हया करिए। आइए गौर करना जरा तवज्जो करना, मेरी और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया जिथे रमजान का महीना माफिया का महीना है, जिथे रमजान का महीना बख्शिश का महीना है, इथे रमजान का महीना खुशियां का महीना भी है। हदीसे पाक अंदर आंदा है अल्लाह के महबूब ने फरमाया लिसाइमी फरहतानी, फरमाया रोजेदार बंदे वास्ते अल्लाह ताला ने दो खुशियां रखिया ने, रोजेदार बंदे वास्ते किनियां खुशियां, खुशियां किनिया खुशियां, खुशियां रोजेदार बंदे वास्ते। फरमाया फरमाया इजा अफ्तारा फरीहा व इजा लकिया रब्बहू फरीहा बिसौमिही, फरमाया पहली खुशी ओदों हुंदी है जदो रोजेदार बंदा अपने रोजे की इफ्तारी करता है, सुभान अल्लाह क्या कहने अल्लाहु अकबर, ते दूसरी खुशी ओदों होएगी जदो अल्लाह ताला रोजेदार बंदे नू अपने चेहरे दा दीदार नसीब फरमा देणगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने। बड़ी मोहब्बत वाले नवे नवे जुमले इस हदीस के तर्जमे के अंदर तुहाडे गोश गुजार करना चाहना, दो खुशियां रखियां मौला ने, दो खुशियां रखियां मौला ने चन मुखलिस रोजेदारा लई, दो खुशियां रखियां मौला ने, दो खुशियां रखियां मौला ने चन मुखलिस रोजेदारा लई, दो खुशियां रखियां मौला ने एक खुशी हुंदी इफ्तार वेले है कैसा मंजर प्यार वाला, एक खुशी हुंदी इफ्तार वेले है कैसा मंजर प्यार वाला, मैं मन्नेया जन्नत सोनी है पर कैसा मंजर दीदार वाला, भूखे खुले कह रहमत बख्शिश दे, भूखे खुले कह रहमत बख्शिश दे, ऐलान होया गुनागारा लई, दो खुशियां रखियां मौला ने, दो खुशियां रखियां मौला ने चन मुखलिस रोजेदारा लई, दो खुशियां रखियां मौला ने बख्शिश दा बने शाहकार आया, नेकी लई फसल बहार आया, अल्लाहु अकबर, बख्शिश दा बने शाहकार आया, नेकी लई फसल बहार आया, मेहमान खसूसी अल्लाह दा, मेहमान खसूसी अल्लाह दा, सब महीने दा सरदार आया, आ लुट ले सेला लगियां ने, आ लुट ले सेला
ला लकिया ने है मुनाफा ने को कारा लई दो खुशियां मौला रखिया ने दो खुशियां मौला रखिया ने चन मुखलिस रोजे तारा लई दो खुशियां मौला रखिया ने ओचे तो तीन नो यार सियामो सिल राता दे खूब कयामो सिल जदों तिन्नू यार सियामो सिल राता दे खूब कयामो सिल जन्नत दा तू मेहमानो से जन्नत कहो इंशाल्लाह जन्नत दा तू मेहमानों से नाले रब दे खास नामो से ए तमाम इफ्तारी सैरी दे ए तमाम इफ्तारी सैरी दे है जन्नत खिदमत गारा लई दो खुशियां मौला रखिया ने दो खुशियां मौला रखिया ने चन मुखलिस रोजे तारा लई दो खुशियां मौला रखिया ने अल्लाहु अकबर अल्लाह ए रमजान खुशियां दा महीना भी है आइए गौर कर दे जाना तरा तवज्जो कर दे जाना मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया अल्लाह दे बंदियो जानते हो अल्लाह ताला अपने रोजेदार बंदे नाल किन्ना प्यार करदा है अपने रोजेदार बंदे नाल किन्नी मोहब्बत करदा है ऐ देखो ना जदों असर दी नमाज दा टाइम हो जांदा है नमाजे असर तो बाद भूख दी वजह तो पेट दे विचों एक महक आनी शुरू हो जांदी है नाल दा बैठा बंदा भी कराहत महसूस करदा है हदीसे पाक अंदर आंदा है नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ताला आंदे ने ला खलूफ फमिसाइमी अतिया बोइंद अल्लाह मिर रीहिल मिस्क अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे ए तेरे पेट दे विचों निकलण वाली बदबू मैनू कस्तूरी दी खुशबू नालों भी ज्यादा प्यारी लगदी है इन्नी मोहब्बत है अल्लाह ताला नू रोजेदार बंदे दे नाल इन्ना प्यार है अल्लाह ताला नू अपने रोजेदार बंदे दे नाल और वेखो ना आम दिनां दे अंदर बंदा एक नेकी करदा है अल्लाह ताला एक नेकियां दियां दस नेकियां बना देंदा है अल्लाह ताला नेकियां दे अंदर इजाफा करदा है लेकिन जदों रमजान दा महीना आ जांदा है जिन्नी बंदे दी नीयत खालस है उन्ना नेकियां दे अंदर सवाब भी ज्यादा है दस तो लैके 700 गुना तक अल्लाह ताला एक नेकी दा अजर बना देंदा है हदीसे पाक अंदर आंदा है जदों बंदा रोजा रख लैंदा है ना शामा पै जांदियां ने हर नेकी दा अजर फरिश्ते लिखदे ने असीं कुरान पाक दी तलावत करने आ नेकियां फरिश्ते लिखते ने असी जिक्र अजकार करने आ नेकियां फरिश्ते लिखते ने असी जनाबे मोहतरम किसे दे उत्ते सदका खैरात करने आ नेकियां फरिश्ते लिखते ने लेकिन जदों रोजेदार दी इफ्तारी दा टाइम हुंदा है अल्लाह ताला फरमांदे ने अस्सौमुली व अना अजजी बिही अस्सौमुली व अना अजजी बिही फरमाया मेरे फरिश्तियो मेरे बंदे ने रोजा मेरे वास्ते रखिया है इनू सवाब भी मैं आप ही अता करना है इनू अजर भी मैं आप ही अता करना है ते जिड्डी जात वड्डी है ओडा फजल भी वड्डा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओ यार जदों अल्लाह ने अपने बंदे नु रोजे दा अजर अता करना है फिर अंदाजा करो साडी सोच उत्थों तक जा सकती है इस वास्ते अफसोस है उस बंदे ते जेड़ा बंदा रमजान दे रोजे छड्डी जांदा है छोटे छोटे बहाने बना के गर्मी दे अल्लाहू अकबर अल्लाह और अपने कामकार दे बहाने बना के ना ना अल्लाह दे बंदे रमजान दा एहतराम करिया कर रमजान दी कदर करिया कर रमजान दा हया करिया कर अल्लाहू अकबर अल्लाह गौर करना दरा तवज्जो कर दे जाना क्यों ना तुहाडा ईमान ताजा करदा जावा बहार पैदा कर दियां मोहब्बत दे नाल चंद जुमले कह दियां इंशाल्लाह ऐ जड़ियां छोटियां मोटियां तकलीफां ते सौतां रोजे दी वजह तो आ रहियां ने जदों अल्लाह ताला ने रोजे दा अजर अता करना है इन्हां दी ते फिर कोई हैसियत ही कोई नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह ओ ते रहमतां दे चाले दे फवारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे
रहमतां दे चल दे फवारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। फातू नेमतां ने उत्थे लहरां बहरां होणियां, दुध शहद ते शराब दियां नहरां होणियां। मौजां लैंदे उत्थे रब दे प्यारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। अल्लाहु अकबर, बड़ा प्यारा जुमला। ओ पहली बुनी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, हमेशा रहण वाली बई जवानी होवेगी। जरा जाओ ना उत्थे तसव्वुरात अंदर, अल्लाहु अकबर क्या कहने। ओ पहली बुनी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, हमेशा रहण वाली बई जवानी होवेगी। जैके मछली दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। और विच जन्नतां दे मौसम निराले होणगे, जेठ हाड़ दिया धुप्पा ना ही पाले होणगे। विच जन्नतां दे मौसम निराले होणगे, जेठ हाड़ दिया धुप्पा ना ही पाले होणगे। फिल्मान विच खिदमतां खलारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। और मैं अपने मौजू दे रिलेटेड जुमला जिहड़ी मैं हदीस पढ़ी है, लिसाइमी फरहतानी। जनाब इफ्तारी करने वाले रोजेदार बंदे वास्ते अल्लाह ने दो खुशियां, एक इफ्तारी दे टाइम ते, एक अल्लाह ने अपने दीदार दे टाइम ते। एदे मुताबक जुमला पढ़ना चाहना, लो आखर ते जुमला तुसी सुनने, इंशाल्लाह तुहाडा ईमान ताजा हो जाना है। मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, मैं प्यार नाल पढ़ना है, तुसी भी प्यार नाल सुनना है इंशाल्लाह। सुनोगे ना प्यार नाल, सुनोगे ना इंशाल्लाह। ईमान ताजा ना हो तो वापस कर दे जांदी वरी इंशाल्लाह। बड़ी मोहब्बत वाला जुमला, अल्लाहु अकबर अल्लाह। बड़ी मोहब्बत नाल, बड़ी मोहब्बत नाल, ओते रहमतां ते चल दे फवारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। मोहब्बत नाल, मोहब्बत नाल, ओ किड्डा सोहणा समां पुरबहार होवेगा, जिस वेले सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा। ओ किड्डा सोना, ओ किड्डा सोना समा, ओ किड्डा सोना समा पुरबहार होवेगा, जिस वेले सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा, जिस वेले सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा। हर पासे लोको नूर दे लश्कारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।